वी द पीपल, हम भारत के लोग। जोड़ना है, जुड़ना है, जिद जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे। जुड़ने और जोड़ने के लिए आपको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी, बहुत सारी मीटिंग करनी पड़ेंगी, बहुत सारे सम्मेलन करने पड़ेंगे और लगातार फोन पर, जूम पर, गूगल मीट पर, स्काइप पर, वाइबर पर, टेलीफोन पर, आपस में, मोहल्ले में, क्योंकि जोड़ने के लिए आपको अपने जैसे भाई और बहन चाहिए। तो जहां आपको मिलें, शादी में, ब्याह में, समारोह में, क्लास में, बस में, ट्रेन में, किसी मीटिंग में, पार्क में, आपको लगातार लगातार उनसे बातचीत करते रहना है और उनको जोड़ते रहना है और खुद उनसे जुड़ते रहना है। इसी में सफलता होगी। वी द पीपल में पहली साइकिल यात्रा सहारनपुर से लोगों ने कहा है कि हम यहाँ पहली साइकिल यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके हमें नियम बता दिए जाएं कि किस तरह से ये नियम होते हैं। जैसा कि सभी को बताया जा चुका है और बता रहे हैं, दो किताबें हमारी नियम की हैं। एक तो है जो पूरी जिंदगी 45 साल तक भगवान बुद्ध ने चारिका की, चलते रहे यात्राएं की, उनके यात्रा के नियम जो विनय पिटक में हैं, और दूसरे जो सिद्धांत हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश को जोड़ने के, संघ के संविधान दिए भारत के संविधान में। तो आप किसी भी विनय पिटक की किताब से भगवान बुद्ध के वो नियम जो उन्होंने बनाए हैं, वो यूनिवर्सल नियम है, पूरी दुनिया में चलते हैं, वो पुराने नहीं पड़े हैं, उनको आप देख सकते हैं और आज के समय उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नियम मैं यहाँ बता देता हूँ, कुछ उद्देश्य मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब बहुत सारी यात्राएं चलेंगी। काशीराम साइकिल यात्रा, भगवान बुद्ध पैदल धम्म यात्रा, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान यात्रा, पेरियार लाठी मार्च, संत कबीर सच्ची यात्रा, गुरु नानक देव प्यार भाईचारा यात्रा, सतनामी सच यात्रा, गुरु रविदास जी प्रेम भाईचारा बेगमपुरा यात्रा, सम्राट अशोक महाभारत यात्रा, ये सारी तरह की जो यात्रा हैं, ये लगातार 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 चलती रहेंगी भाईचारा बढ़ाने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, जो उनका एकमात्र उद्देश्य है। लोग कहते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा करना चाहते हैं, ऐसी आवाज़ें आती हैं, हमको भारत जोड़ो यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि भारत जुड़ा हुआ है। जब कभी हम महाभारत जोड़ो यात्रा या सम्राट अशोक महाभारत जोड़ो यात्रा करेंगे, तो उस समय हम सोचेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत जुड़ा हुआ है और भारत के जो टुकड़े हो चुके हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, या अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल या भूटान है, या मंगोल का कुछ हिस्सा है, ये जितने भी देश हैं, चाहे बर्मा है, ये सभी ईरान तक, ईरान भी उसका हिस्सा है, तो ये महाभारत में आते थे। इसके लिए आपको पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी, वो दूर की कौड़ी है, उसमें हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ यहीं भारत में रह के काम करना है। भारत दरअसल जुड़ा हुआ है, भारतीय जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि यहाँ जो भारत के लोग हैं उनको कहते हैं तू बिहारी है, तू मराठी है, तू मद्रासी है, तू राजस्थानी है, तू इधर बंगाली है, या तू उधर उड़िया है, या तू उधर केरला का है, मलयाली है, या तमिल है, या उसको कहते हैं कि तू यहाँ पंजाबी है, हिमाचली है, ये सारे नामों से उनको बोला जाता है, उनको संबोधन किया जाता है, और ये संबोधन ठीक भी है। कारण क्या है कि नेता ने कभी उनको भारतीय बनाया ही नहीं, ना ही उनको भारतीय सोच डेवलप की, और ना ही ये बताया कि वो भारतीय हैं। उनको बिहारी, मराठी, क्षेत्रीय, यानी क्षेत्र के अंदर, और बहुत सारी जगह तो उनको जिले के अंदर या उस स्टेट के भी तीन तीन चार चार टुकड़े करके उनके अंदर उनको डाला हुआ है, तो उनको भारतीय होने का एहसास कभी कराया नहीं जाता। जो नेता होता है वो खुद हवाई जहाज में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमता रहता है, कार में घूमता रहता है। जब कभी उसको कहते हैं कि फलाने राज्य में कौन है, दूसरे राज्य में कौन है, तो कहते हैं कि मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। वो आपस में कभी कॉन्टैक्ट नहीं होने देता, यानी कि जो बिहार के लोग हैं उनका, अगर तमिलनाडु के लोग हैं तो उनका आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होने देगा, उनका आपस में संबंध नहीं होने देगा, या जो केरल के लोग हैं अगर वो पंजाब के लोगों से मिलना चाहें तो उनका आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होने देगा,
वो कहेगा कि आप बताओ किससे मिलना है, क्या काम है, तो पहले मुझे बताओ। यानी कि आपको अपने ही भाइयों से मिलने के लिए, देश के अपने ही लोगों से मिलने के लिए पहले आपको नेता को ढूंढना पड़ेगा। नेता कहेगा कि इससे मिलोगे तो मिल पाओगे, अदरवाइज वो मिलने देगा नहीं। उसका कारण ये है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो राष्ट्रीय नेता हो, भारतीय नेता हो, और वो नहीं चाहता कि और कोई व्यक्ति भारतीय नेता हो। वो चाहता है वो जिले में ही रहे, गांव में ही रहे, या अपने बहुत ज़्यादा राज्य में रहे। तो इसलिए अगर भारतीय पहचान बनेगी तो बड़ी पहचान होगी, तो बड़ी पहचान कोई क्यों किसी को देना चाहेगा। इसलिए वो लोग कभी भी हम लोगों को भारतीय नहीं होने देना चाहते। वो कहते हैं कि दिल्ली में रहो, बस दिल्ली का ही करते रहो, दिल्ली से बाहर अगर तुम्हें जाना है तो मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे बताओ तुम्हें किस स्टेट में जाना है। कर्नाटक में जाना है तो कर्नाटक में मुझे बताओ क्या काम है, मैं उसको बोल दूंगा। यानी वो बोल देगा, उसको बीच में पहले माध्यम बनाओ, उसको बीच में पहले दलाल बनाओ, उसको पीछे बीच में पहले मीडिएटर बनाओ, तब वो बोलेगा। इससे दूरियां बड़ी रहती हैं, इससे हम भारतीय नहीं बन पाते। तो इसलिए हमें भारत को नहीं जोड़ना है, भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है, सारे राज्य पहले से ही जुड़े हुए हैं। हमको भारतीय बनना है, लोगों को भारतीय बनाना है, हमें आपस में जुड़ना है। उसके लिए यात्राएं चलेंगी, उसके लिए संगोष्ठी गोष्ठी सम्मेलन चलेंगे। तो कैसी कैसी यात्राएं होती हैं, गांव से गांव की यात्रा, यानी एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा, बड़ी सरल है। एक घंटे में, आधा घंटे में दूसरे गांव में पहुंच जाएगा, वहां बातचीत करेगा, खाएगा पिएगा बैठेगा, एक दूसरे के सुख दुख के बारे में कहेगा, चला आएगा, गांव से गांव की यात्रा हो गई। गांव से तहसील की यात्रा थोड़ा 2 घंटे की हो जाएगी, वहां जाएंगे आएंगे, तहसील में बातचीत करेंगे, बातचीत होगी, मिलना जुलना होगा, एक दूसरे के सुख दुख पूछेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो गांव से तहसील की यात्रा होगी। तो पैसा खर्च नहीं होना है, साइकिल पे आ सकते हैं, साइकिल पे जा सकते हैं, पैदल आ सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं। किसी के पास संसाधन ज़्यादा है तो वो अपना कोई छोटा स्कूटर या मोटरसाइकिल लेके आ जा सकता है, एक दो सवारी और पीछे बैठा लेगा तो पैसा थोड़ा बच जाएगा, तो ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होना है। तो तहसील से तहसील की यात्रा, यानी एक तहसील के लोग इकट्ठे होकर दूसरे तहसील में जाएं, तो सम्मेलन थोड़ा बड़ा हो सकता है, आधे दिन का हो सकता है, तो वहाँ अपना खाना पानी साथ लेके जाएं, गुड़ चना साथ लेके जाएं, किसी पे बोझ ना बने। कोई खाना खिला दे तो उसका पहले धन्यवाद करना है, जैसे बुद्ध के समय जब खाना खाते थे जो लोग जाते थे यात्रा पे, जिनको भिक्कु या भिक्कुणी बोलते थे, तो वो खाना खाने से पहले खाना देने वाले का धन्यवाद करते थे। तो आपको भी जो खा रहे हैं, नाश्ता है, चाय पानी जो भी है, पुरानी आदत है हमारी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, बूढ़े लोग, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे नाना और मेरे दादा जब भी कभी मिला करते थे तो वो आपस में जब बैठते थे तो चाय अगर जैसे दूध पिया है या मठा पिया या खाना खाया है, तो वो दोनों हाथ जोड़ के और पहले धन्यवाद करते थे भोजन के लिए और भोजन देने वाले के लिए। वो हमारी परंपरा है, बुद्ध की परंपरा है, भिक्कुओं की परंपरा है, भिक्कुणियों की परंपरा है, वो आपको निभानी है। किसी ने हमें खाना दिया है तो उसका धन्यवाद पहले करना है, खाने से पहले करना है, खाने के बाद नहीं। तो ये नियम खाने का है, विनय पिटक में सारे नियम है, देख सकते हैं। जब आपकी यात्रा तहसील से तहसील में होगी तो आधा दिन की होगी, और जब तहसील से जिले में होगी तो वो पूरे दिन की भी हो सकती है, क्योंकि तहसील से जिला 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर हो सकता है। साइकिल पर जाएंगे तो 1.5-2 घंटे लगते हैं, साइकिल 1 घंटे में लगभग 15 किलोमीटर चलती है, पैदल जो आदमी चलता है वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो पैदल भी जा सकते हैं। अगर 25 किलोमीटर है तो 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, और साइकिल पर जाएंगे तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, और स्कूटर पर जाएंगे तो 1.25 घंटे में 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता स्कूटर का साइकिल का। तो वहाँ पूरे दिन का कार्यक्रम हो सकता है, भाईचारा हो सकता है, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा बातचीत होगी, ज़्यादा प्यार बढ़ेगा, तो जिले से जिले की यात्रा और बड़ी होती है। और फिर जिले से जो आपकी कमिश्नरी है, जिसमें 6 जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं, उसकी यात्रा और बड़ी हो जाती है, पूरे दिन का कार्यक्रम हो जाता है। और फिर आपका आता है तहसील से, और जो राजधानी है उस प्रदेश की, उसकी यात्रा, सारी तहसीलें उसमें यात्रा करेंगी, तो वो और बड़ी हो जाती है, 1 दिन का 2 दिन का बड़ा कार्यक्रम है, उसका अरेंजमेंट भी बड़ा होता है। और फिर होती है राज्य से राज्य की यात्रा, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य में मिलना, और फिर सारे राज्यों की मिलकर भारतीय यात्रा होती है। ये बड़ा साधारण सा और बड़ा अच्छा प्रोसेस है कि गांव से लेके आप पूरे राज्य से राज्य की यात्रा आराम से कर सकते हैं। तो यात्रा के प्रोग्राम आप बना सकते हैं, युवा बना सकते हैं, महिलाएं बना सकती हैं, बुजुर्ग बना सकते हैं, सारे मिलके बना सकते हैं। तो यात्रा को आरंभ कैसे करना है, यात्रा को आरंभ करने के लिए आपको सब अगर एक ही तरह के कपड़े पहने तो बेहतर होगा। सफ़ेद कपड़े हमारे होते हैं, सबके पास होते हैं, सफ़ेद कपड़े पहने तो अच्छा होगा,
पहचान रहेगी कि ये हमारे अपने लोग हैं। आप वी द पीपल का जो लोगो है उसका एक झंडा या उसका निशान या उसका स्टिकर वो बनवा सकते हैं, उसको लिखवा सकते हैं, और वी द पीपल का जो पीछे का बैनर होता है उस पर लिखवा सकते हैं कि ये वी द पीपल की प्यार के व्यवहार की यात्रा है, भाईचारा बढ़ाने की है, भाईचारिया बढ़ाने की है, ब्रदरहुड बढ़ाने की यात्रा है, आपस में प्यार और मेलजोल बढ़ाने की, एक दुख सुख एक दूसरे के बांटने की यात्रा है, हम एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है, भारतीयों को जोड़ने की यात्रा है, ऐसा लिखवा सकते हैं और आराम से चल सकते हैं। तो जब आप यात्रा आरंभ करेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपको भारतीय संविधान की यात्रा है ये, और आपको भारतीय संविधान के नियमों का पालन करना है। तो कोई भी नियम ऐसा ना तोड़ें जो भारतीय संविधान के तहत हो, जैसे कोई मजिस्ट्रेट है, डीएम है या डिप्टी कमिश्नर है या जिला मजिस्ट्रेट है या कोई एसडीओ है, ये वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी है या कोई पुलिस वाला है, वो आपको जो नियम बताए वो नियम फॉलो कर लें, उन नियमों को अच्छी तरह से माने, क्योंकि ये नियम के अनुसार चलने वाली यात्रा है। यात्रा चलने से पहले आपको सबसे पहले साथ बैठना, एक साथ जैसे भिक्कू बैठते थे, और लाइन में बैठना है, और जो आपके पास में सबसे बुजुर्ग या जो सबसे अच्छा जानकार व्यक्ति है उससे आपको कुछ बातें सीखनी है। सबसे पहले आपको क्या सीखना है, आपको कहना है कि हम अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयास करते हैं, यानी कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए प्रयत्न या प्रयास करूँगा। फिर आप कहेंगे कि जो प्राकृतिक नियम है, जो प्रकृति के नियम हैं, जो कुदरती नियम हैं, जो नेचर के नियम हैं, मैं उनके अनुसार चलने का प्रयास प्रयत्न करता हूँ। फिर आप कहेंगे कि जो सही हमारा संघ है, जो अच्छे लोग हैं, मैं उनके साथ चलने का प्रयत्न प्रयास करता हूँ। इसको पाली में आप कह सकते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। पाली ना जानते हो कोई बात नहीं, तीनों का मतलब यह है कि मैं बुद्धि के साथ चलने का प्रयास करता हूँ, मैं नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ चलने का प्रयास करता हूँ, और मैं जो संघ, जो हमारे अच्छे लोग हैं, उनके साथ चलने का प्रयास करता हूँ। फिर आप कहेंगे कि मैं किसी की हत्या या हिंसा नहीं करने का वचन लेता हूँ, यानी कि आप उस यात्रा के दौरान में ना कोई हिंसा करेंगे, ना जोर से बोलेंगे, ना किसी को गाली देंगे, ना ग्लोज देंगे, ना हत्या करेंगे किसी जानवर की, जीव की, उनको सबको बचा के चलेंगे, ऐसा आप वहाँ पर पूरी तरह से प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं, बात को ग्रहण करते हैं। फिर आप ग्रहण करेंगे कि मैं चोरी नहीं करूँगा, यानी इस पूरी यात्रा के दौरान में आप कोई भी चोरी नहीं करेंगे, चाहे सड़क पे कोई भी चीज़ कितनी कीमती पड़ी हो आप उसको उठाएंगे नहीं, ना ही दाएं बाएं से कोई चीज़ उठाएंगे, नियम का पालन करेंगे। फिर आप इस बात की प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं इस पूरी यात्रा के दौरान में कोई झूठ नहीं बोलूँगा, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा। फिर आप ये प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं कोई व्यभिचार नहीं करूँगा, कोई ऐसा आचरण नहीं करूँगा जो कुदरत के नियमों के खिलाफ है, जो इंसान के, समाज के नियम के खिलाफ है, व्यभिचार से दूर रहूँगा इस पूरी यात्रा के दौरान। फिर आप ये प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं इस पूरी यात्रा में कोई नशा पता नहीं करूँगा किसी भी तरह का। कोई व्यक्ति अगर यात्रा के दौरान इन पाँचों नियमों को तोड़ता है तो उसको प्रायश्चित करना होगा सबके सामने कि ये नियम मुझसे टूटा है, मैं इसका प्रायश्चित करता हूँ। जो दंड पूरा संघ या पूरा जो यात्रा के लोग हैं देना चाहें वो दे सकते हैं, उसे माफ़ करना चाहें माफ़ कर सकते हैं, उसे अगर ये कहें कि आप चले जाओ यहाँ से और कुछ दिन के बाद शामिल होना, उसको भेज सकते हैं घर, उसको एक दिन का अगर दंड देना चाहें तो एक दिन का दे सकते हैं, उसको दो घंटे का दंड देना चाहें तो दो घंटे का दे सकते हैं। ये संघ के ऊपर है कि संघ क्या निर्णय लेता है, विनय पीटक में इसके नियम दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये बात करने के बाद फिर आप आरंभ करेंगे तो आपका उद्देश्य है कि आपको प्यार बढ़ाना है। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको प्यार नहीं बढ़ाना देना चाहेंगे, आपको उकसाएंगे, गाली देंगे, ग्लव्स देंगे, आपको किसी भी मत में या किसी संप्रदाय में या किसी कम्युनिटी में या किसी धर्म में या धर्म की बात में कोई जिक्र कभी नहीं करना है। आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपने सिर्फ भाईचारे की, विदा पीपल की, एक दूसरे के सुख दुख बांटने की, जुड़ने की और जोड़ने की बात करनी है, ना धर्म की बात करनी है, ना मत की करनी है, ना संप्रदाय की करनी है, सिर्फ संविधान की बात करनी है और बुद्ध के प्यार के संदेश की बात करनी है। बुद्ध धर्म की बात नहीं करनी है, ना बुद्ध धर्म के लिए कहना है, ना ही किसी को ये लताड़ना है कि तुम अम्बेडकर को मानते हो, बुद्ध को नहीं मानते हो, तुम नालायक हो, तुम निकम्मे हो, तुम बुद्ध को जानते नहीं, तुम 22 प्रतिज्ञा मानते नहीं, तुम बुद्ध का ये नहीं जानते, कुछ नहीं कहना है आपने।
ये यात्रा सभी लोगों को साथ लेकर चलने की है। आप जानते हैं, अच्छी बात है, कोई दूसरा नहीं जानता है तो बाद में जान लेगा। आप सिर्फ उससे भाईचारा प्यार की बात करिए, उसकी मदद की बात कीजिए, कोई उसको भाषण मत दीजिए। आप यात्रा करने आए तो उसका उद्देश्य है जोड़ने का, जुड़ने का, तोड़ने का और टूटने का नहीं है। आप किसी को लताड़ेंगे, किसी को ऐसा एहसास कराएंगे कि वो नहीं जानता हम जानते हैं, तो वो जुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, तो उद्देश्य आपका खराब हो जाएगा। कहीं आप जाएंगे तो ये नियम है विनय पिटक का कि आप उससे खाना नहीं मांगेंगे। अगर वो खाना खुद देता है तो उसका खाने से पहले धन्यवाद करेंगे और इतना ही खाएंगे जितना आवश्यक है, जरूर उससे ज़्यादा नहीं खाएंगे और इकट्ठा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और कोई खाना अगर आपको नहीं देता है तो आप अपनी जेब से पैसा खर्च करके या अपनी जेब में जो रखा हुआ गुड़ चना है उसे खा के पानी पी के सो जाइए। जो भी बातचीत आप करेंगे वो खुले में बातचीत करेंगे, सबके सामने करेंगे, बंद कमरे में कोई बात नहीं होगी। जब आप साइकिल यात्रा पर चलेंगे तो सबसे आगे जो आपके ग्रुप में जानकार और जो युवा है, जो बलिष्ठ है, जो शरीर से तगड़ा है और जो जानकार है, वो सबसे आगे साइकिल पर रहेगा। उसके पीछे उसके दो साथी रहेंगे जो उस जैसे होंगे। उसके पीछे फिर जो महिलाएं और बच्चे हैं वो रहेंगे। उसके पीछे फिर जो बुजुर्ग हैं, जो कमज़ोर हैं, वो रहेंगे। और सबसे पीछे जो नौजवान हैं बाकी वो रहेंगे। और सबसे आखिर में वो आदमी रहेगा जो ग्रुप को लीड करेगा, यानी जो ग्रुप को बलिष्ठ होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए, जो ग्रुप को देखभाल करेगा। किसी साथी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी कोई खतरा लगे, महसूस लगे, तो एक साथ सारे इकट्ठे होकर बच्चों को और महिलाओं को बीच में ले लेंगे। आप अपने साथ सत्थक दंड रख सकते हैं। सत्थक दंड वो होता है जो 11 प्रकार का डंडा भगवान बुद्ध ने विनय पिटक में दिया था, अपनी सुरक्षा कुत्तों से करने के लिए, जानवर से करने के लिए। आप वो सत्थक दंड अपनी साइकिल के साथ, अपने पैदल के साथ में रख सकते हैं, जिसको दांडी बोलते हैं या दंड बोलते हैं, वो आप रख सकते हैं, जो आपके कंधे के बराबर ऊंचा होना चाहिए या उससे छोटा भी हो, जो आपको आसानी से लगे, वो रख सकते हैं। वो नियम है विनय पिटक का, भगवान बुद्ध ने सत्थक दंड रखने का 11 प्रकार का नियम भिक्कु और भिक्कुणी के लिए दिया हुआ है, सुरक्षा के लिए, जानवर कुत्तों से सुरक्षा के लिए, वो आप रख सकते हैं। जब आप यात्रा करेंगे तो यात्रा सिर्फ दिन में करेंगे, यानी कि सुबह सूरज के साथ यात्रा करेंगे और सूरज छिपने से पहले आप अपने उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां आपको रुकना है। और सूरज छिपने के बाद आप कोई भाषण या कोई प्रवचन या कोई वाद विवाद नहीं करेंगे, सिर्फ आराम से वहां सभ्य सत्ता करेंगे। क्या कहेंगे? सभी जितने भी जल में, थल में और या वायु में, यानी जो हवा के अंदर प्राणी हैं, जो पानी के अंदर प्राणी जीव हैं और जो जमीन पर जीव हैं, उन सबका कल्याण हो, उन सबका मंगल हो, वो सारे सुखी हों, ऐसा आप 3 बार करेंगे। इसको सभ्य सत्ता बोलते हैं, यानी सबके सुख के लिए सब सुख गाथा। और फिर आप अपना दिनचर्या करके और कोशिश करें कि आप 9 बजे तक सो जाएं, क्योंकि सुबह आपको 4 बजे फिर उठना है। इस पूरी यात्रा में आप किसी से पैसा नहीं मांगेंगे, पैसा कोई इकट्ठा नहीं करेंगे। आप दान के रूप में सिर्फ खाना ले सकते हैं या बहुत ज़्यादा सोने के लिए बिस्तर, अगर कोई कपड़ा देता है तो बिस्तर ले सकते हैं, अपना साथ ले जा सकते हैं, ठीक है, वरना तो बिस्तर ले सकते हैं। किसी की कोई चीज़ और एक्स्ट्रा आप मांगेंगे नहीं। कोई दान देना भी चाहे तो भी दान का नियम भिक्कू संघ के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपको कोई वस्तु देना चाहता है तो पूरा संघ उसको लेगा, एक व्यक्ति के लिए नहीं मिलेगा। आप मान सम्मान किसी से नहीं लेंगे। कोई देता है तो उसका धन्यवाद है, मगर ऐसा नहीं है कि आप मान सम्मान के लिए माला पहने या वहाँ टोपी पहने या वहाँ गमछा पहने या वहाँ कपड़ा पहने, उससे आपको बचना है। मान सम्मान और प्रशंसा आपके उद्देश्य की रुकावट है, क्योंकि पूरे संघ में जिसको मान सम्मान नहीं मिलेगा वो नाराज़ हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। इसलिए जो साइकिल यात्रा को आगे चलाए वो ध्यान रखे कि सबसे निवेदन करे कि कृपया फूल माला में या गमछे में या जो अंगूठा डालते हैं उसमें पैसा खर्च ना करें, अपना पैसा बचा के रखें। आपको जो पढ़ाना है वहाँ पर, वो सिर्फ बुद्ध की जो प्यार की बात है वो पढ़ानी है और जो भगवान, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो पढ़ाना है। इसके अतिरिक्त आप अपनी सामाजिक बात कर सकते हैं, भाईचारे की, रिश्ते की, नाते की, दुख की, सुख की, वो कर सकते हैं, मगर सिद्धांतिक बात के साथ में आप अपनी व्यक्तिगत बात ना मिलाएं। मतलब जब आप बोलें तो आप अपना व्याख्यान या अपना संस्मरण या अपनी कहानी सुनाना ना शुरू कर दें, सिर्फ मतलब की बात पर रहें कि जोड़ना है जुड़ना है, उसी के बारे में बात करें। वो क्या फ़ायदा देगा क्या नहीं देगा उसके बारे में बताएं, जो बार बार आपको बताया जाता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। संघ के जो नियम है, विनय के जो नियम है, उसमें उठना बैठना चलना सारे दिए हुए हैं। वो किताब हमेशा अपने साथ रखें। उसमें दिया हुआ है कि किसी के घर में जाके कैसे बैठना होता है, कैसे उठना होता है,
कितना खाना खाना होता है, कैसे कपड़े पहनने होते हैं, कैसे जाना होता है, कब बोलना होता है, कब नहीं बोलना होता है, एक एक चीज उसमें दी हुई है। आप उसका अध्ययन करते रहें। जो आपके यहाँ जानकार हो, पालिका या कोई भिक्कु अच्छा है उससे, या कोई धम को जानता है, वो विनय पीठक खरीद रखा होगा, उससे आप पूछते रहें, जानते रहें, फोन पे बात करते रहें, वो आपको बताता रहेगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। यात्रा की वीडियो और ऑडियो बनाते रहें, रिकॉर्ड करते रहें, मगर लाइव टेलीकास्ट ना करें। यानी कि आप यात्रा की तुरंत लाइव टेलीकास्ट ना करें, यात्रा जो आपने रिकॉर्ड की है उसको एक दिन बाद आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे डाल सकते हैं। लाइव करने से आपका व्यवधान होगा, लाइव करने से कोई व्यक्ति आपको ट्रेस कर सकता है कि ये अभी कहाँ है कहाँ नहीं है, उसमें उसकी द्वेषपूर्ण भावना भी हो सकती है, खराब भावना भी हो सकती है। लाइव करने से कई बार आदमी उद्वेलित हो जाता है, नुकसान कर सकता है, इसलिए लाइव ना करें, कम से कम एक दिन बाद पोस्ट करें। अगर कोई इमरजेंसी घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो यात्रा को बीच में ही रोक के सबसे पहले उसकी मदद करें, स्थानीय प्रशासन से मदद लें, लोगों से मदद लें। यात्रा इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपकी सुरक्षा है। आप रहेंगे तो यात्रा दोबारा से हो जाएगी, आप रहेंगे नहीं तो यात्रा दोबारा आरंभ नहीं होगी। इसलिए जो व्यक्ति हैं उनकी जान की, उनकी माल की, उनका सब कुछ बहुत सेफ होना जरूरी है। सभी से प्यार बना के रखें। रास्ते में जो लोग आपको मिलें उन्हें आप हाथ जोड़कर नमस्कार करें। नमस्कार पाली का पुराना शब्द है, नमस्कार को बाद में नमस्कार में बदला गया है। नमस्कार का मतलब है कि मैं नम्न कर्म करता हूँ, कार्य करता हूँ, यानी कि मैं नम्रता का कार्य करता हूँ, आपके सामने मैं नम्र होता हूँ, मुलायम होता हूँ। इसका मतलब झुकना नहीं है, नम्र होने का मतलब है कि एक होता है जैसे बहुत ऊंची आवाज में कर्कश बोला जाता है, एक नम्रता से बोला जाता है। तो नमस्कार पुराना बुद्ध के समय से भी पहले का हमारा शब्द है, शब्द है जो हम बोला करते थे। तो आप नमस्कार सबको बोल सकते हैं, जो अंबेडकरवादी है उसको आप जय भीम बोल सकते हैं, और जो बुद्ध को भी मानता है उसको जय भीम नमो बुद्धाय बोल सकते हैं। संबोधन प्यार बढ़ाने के लिए है, संबोधन झगड़ा करने के लिए नहीं है। अगर आपको लगे कि आपके संबोधन से किसी को झगड़ा होने वाला है तो खाली हाथ भी जोड़ देंगे, संबोधन हो जाएगा, मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिद ना करें, संबोधन नहीं जोड़ना है हमें, व्यक्ति जोड़ना है, भारतीय लोग जोड़ने हैं, प्यार से जोड़ने हैं। ये कार्यक्रम विदा पीपल जो लोगों को जोड़ने का, भारतीय लोगों को भारत में भारत के दर्शन कराने का है, भारत से मिलवाने का है। इसलिए किसी भी चीज़ पे अडिग ना हो, किसी भी चीज़ पे एक तरह से जिद ना करें। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है, तो मध्यम मार्ग का मतलब है कि आप अपने काम करते जाइए। अगर आप किसी चीज़ के जिद में अटक जाएंगे तो वो काम आपका रुक जाएगा। जो समस्याएं वो बाद में बैठ के डिस्कस हो सकती हैं। विनय पीटक में सारे नियम हैं, फिर भी अगर कोई ऐसा नियम नहीं है तो वो बनाया जा सकता है। उसके लिए भगवान बुद्ध ने छूट दे रखी है। उन्होंने आनंद से कहा था कि आनंद, कुछ नियम जो खराब है उनको छोड़ सकते हो, और भिक्कु चाहे तो कुछ नियम बना भी सकते हैं, समय के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे चाय पीने का नियम उस समय नहीं था, कॉफ़ी पीने का नियम उस समय नहीं था। अभी कुछ लोग चाय पीते हैं, कहते हैं वो नशीली वस्तु है, कुछ लोग कहते हैं वो नशीली वस्तु नहीं है, चाय छोड़ देते हैं, उनके ऊपर है। ऐसे नियम आते जाते रहेंगे। भगवान बुद्ध ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर भी रास्ता खुला हुआ है कि चाहे तो लोग नया नियम बना के पारित कर सकते हैं। तो यात्रा का बहुत बढ़िया उद्देश्य है, और आपकी यात्रा पूरे देश में हजारों लाखों चलेंगी, और ये यात्राएं बड़ी सफल यात्राएं होती हैं, क्योंकि ये प्यार की, प्यार के व्यवहार की यात्राएं होती हैं, एक दूसरे के भाईचारे के बढ़ाने की यात्राएं होती हैं। कोई नियम अगर इसमें रह गया है तो वो आप विनय पीटक में देख सकते हैं। जो यात्रा आप कर रहे हैं वो यात्राएं फ़ोन पर भी चलेंगी, फ़ोन पर एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाने का चलेगा पूरे देश में, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी चलेंगी, वो बस में, ट्रेन में, पानी के जहाज़ में, हवा के जहाज़ में, आने में, जाने में, बैलगाड़ी में, कोई मेला है, कोई ठेला है, कोई शादी है, कोई उत्सव है, कोई बाजार है, कोई व्यापार है, सब जगह ये जुड़ने जुड़ने का कार्यक्रम चलेगा। इसको हमेशा आप दिमाग में रखें कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे से प्यार बढ़ाना है, सभी लोगों को भारतीय बनाना है। यही हमारी यात्राओं का, यही विद पीपल का उद्देश्य है। जुड़ना है, जोड़ना है, जिद जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद।